नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर सीखो हिंदी में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक वीवो का मोबाइल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसको जब चार्जिंग पत्ते हो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रोसेस का आप यूज़ करके जो है और भी मोस्ट मोबाइलों को जो है चार्जिंग पत्ते को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ वीवो जो मोबाइल है इसका मॉडल नंबर है Y53। तो आज मैं आपको बताऊँगा इसको आप कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, कैसे आप इसमें नया पत्ता लगा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि सिम ट्रे देख रहे हैं आप, इसको रिमूव कर लेनी है। तो सिम ट्रे आप जो है किसी भी सिम इजेक्टर की मदद से रिमूव कर सकते हैं, या फिर कोई आपके पास सुई वगैरह हो तो उससे आप रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसको रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, तो दोस्तों सिम ट्रे निकालने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो पेज देखने को मिलेंगे। आपको ये दोनों पेजों को निकाल लेना है, खोल लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको जो है इन दोनों स्क्रू को निकाल लेना है। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये दोनों स्क्रू को रिमूव कर लिया। अब आपको क्या करना है, जहाँ से आपने सिम ट्रे रिमूव की थी वहीं पे आपको हल्का सा नाखून फंसाना है और आपने नाखून को जो है इस तरीके से ऊपर से नीचे थोड़ा सा स्लाइड करना है और इस तरीके से अपने बैक पैनल को रिमूव कर लेना है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, ये देखिए ये हमारा स्ट्रिप है, ये सेम स्ट्रिप है। अब आपको जो है इसकी नीचे की डब्बी है पहले इसको रिमूव कर लेना है। इस तरीके से आपको जो है इसके सारे पेज खोल लेने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पेज मैंने ऑलरेडी जो सारे खोल लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसकी जो है डब्बी को निकाल लेना है, इसको हम रिंगर डब्बी भी बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो कनेक्टर देख रहे हो आप, ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है इसको ईजिली तरीके से इसको रिमूव कर लेना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नेटवर्क पॉइंट है, तो इसको भी जो हमें ट्यूजर की मदद से निकाल लेना है आराम से, ताकि हमारा ये नेटवर्क पॉइंट जो टूट ना जाए इस तरीके से। अब आपको ये चार्जिंग का जो पत्ता देख रहे हो आप, इस पत्ते को रिमूव कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्क्रू मिलेगा लगा हुआ, जो मैंने ऑलरेडी रिमूव कर लिया, इसको आपको रिमूव कर लेना है इस तरीके से। आपको यहाँ पे हल्का हीट लगा देना है, हॉट एयर गन की मदद से या एसएमटी की मदद से कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। अब इसके चार्जिंग पत्ते को हम रिमूव कर लेंगे इजी तरीके से। दोस्तों इजी तरीके से निकालना है आराम आराम से। इस तरीके से पत्ते को जो आपको रिमूव कर लेना है। दोस्तों देखिए जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसके पत्ते को रिमूव कर लिया है इस तरीके से। देखिए हमारा जो इसका चार्जिंग पत्ता रिमूव हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके जो है नए चार्जिंग पत्ते को इस पर लगा कर देखेंगे कि हमारा जो प्रॉपर चार्जिंग होती है कि नहीं होती, हमारा चार्जिंग जैक जो है फिर सही हो जाएगा। इसको हम लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों आप मार्केट में आराम से परचेज़ कर सकते हैं, 100-150 रुपये में आपको जो मिल जाएगा इस तरीके से। ये देखिए अब इसके जो हम कनेक्टर को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब इस तरीके से इसकी जो है फिटिंग बैठा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से। और इसके जो डिस्प्ले कनेक्टर है इसको सेट कर देंगे। ये बस हम चार्जिंग लगा के देख लेते हैं कि हमारा जो है चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही प्रॉपर। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो है चार्जिंग होनी शुरू हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार निकाल के लगा के दोबारा दिखाता हूँ आपको। मैंने चार्जर निकाल दिया, अब मैंने यहाँ पे ये चार्जर लगा दिया है। ये देखिए हमारे यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इसमें इसके चार्जिंग पत्ते को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे आप जो नई स्ट्रिप लेके आए हैं इसमें जो आपका वाइब्रेटर नहीं लगा था, इसके वाइब्रेटर को निकाल के हम इसमें लगा लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसका वाइब्रेटर वगैरह सब सेट कर लिया, सारे कनेक्टर जो है पत्ते कनेक्ट कर दिया सही से कनेक्टर से। तो हमें क्या करना है, इसके जो आप देख सकते हैं नेटवर्क वायर इसको कनेक्ट कर देंगे अच्छे से। दोस्तों इसको तो बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आपको जो मोबाइल फ़ोन में जो है नेटवर्क नहीं आएंगे और फिर आपको जो है फ़ोन यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने इसका जो नेटवर्क वायर को भी कनेक्ट कर दिया अच्छे से। अब इसकी जो रिंगर डब्बी देख रहे हैं आप, इसको लीजिएगा इस तरीके से और इसको सेट कर देना यहाँ पर इस तरीके से। और फिर इसके बाद जो इसके सारे जो स्क्रू कस लेने हैं, इसके सारे पेच लगा देने हैं आपको। मैं एक दो पेच यहाँ पर लगा के दिखा दे रहा हूँ आपको इस तरीके से।
ये देखिए दोस्तों, हमारा जो फ़ोन है प्रॉपर चार्जिंग होना शुरू हो गया है। अब पत्ता चेंज करने के बाद हमारा जो प्रॉपर चार्जिंग हो रही है। तो दोस्तों ये जो आप जो पत्ता चेंज करेंगे, इसमें जो है आपकी कई चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें माइक, चार्जिंग जैक और ये हमारा जो नेटवर्क पॉइंट है, ये सब जो इसमें एक्सचेंज हो जाता है, सब नया हो जाता है। तो इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं इसके। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसके नीचे के जो सारे स्क्रू लगा लिए। अब इसके जो हम यहाँ पे जो आपके चार्जिंग पत्ते में यहाँ पे एक स्टील की पत्ती थी, इसको हम रिमूव कर लेंगे। फिर रिमूव करके हमें जो इसको इस पर रिटर्न लगा देंगे इस तरीके से दोस्तों। तो इसमें दोस्तों अब हमें एक पीएच कस लेंगे, ताकि हमारी जो स्टील की पत्ती जो वापस इस पर टिकी रहे और ये गिरे अगर हमारा फ़ोन वगैरह, तो ये रिमूव ना हो जाए और हमारा चार्जिंग पोर्ट जो है चार्जिंग करना छोड़ देगा अगर ये गिर गया तो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए यहाँ पे से एक स्क्रू जो निकलता है, इसको भी हम यहाँ पे वापस लगा देंगे। अब हमने सारे स्क्रू लगा लिए हैं, जो है सेट कर दिया सारे कनेक्टरों को। अब इसको जो है हम कवर कर देंगे और अच्छे से पैक कर देंगे। तो दोस्तों देखा आपने कितनी इजीली तरीके से हमने जो है चार्जिंग पत्ते को अपने स्ट्रिप को जो है चेंज कर लिया है। अब इसके जो आपने नीचे के दो स्क्रू निकाले थे, उसको ध्यान से लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों स्क्रू जो है इसमें लगा दिए रिटर्न। अब हमारा फ़ोन जो है यूज़ करने के लिए तैयार हो गया। अब इसको हम चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं, हमारा मोबाइल जो है चार्जिंग करके हम अपना यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा मोबाइल जो है यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स।